पुण्यमय स्वय दोस्तों वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जुलाई महीने की इन 16 दिनों की समयावधि में ग्रहों के माध्यम से किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि या बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। यह राशिफल वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में सटीक जानकारी हम आपको देने वाले हैं। जैसे आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहने वाला है, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतरीन स्थिति देखने के लिए मिलेगी और कम प्रयासों में भी आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिल सकती है। वर्तमान समय में वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर शनि जन्य ढैया का प्रभाव भी चल रहा है, इसके लिए वीडियो के लास्ट में कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, जिसको यदि आप करते हैं तो आपके लिए समय काफी अनुकूल और बेहतर रहने वाला है। राशिफल को प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको ग्रह स्थितियों की जानकारी दे रहे हैं। देखिए, इस समयावधि में आपके राशि के स्वामी मंगलदेव आपके कर्म भाव पर शुक्र के साथ इन 16 दिनों में गोचर करने वाले हैं। शनिदेव आपके राशि के चतुर्थ भाव पर वक्री अवस्था में मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर करने वाले हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके राशि के भाग्य भाव पर इन 16 दिनों की समयावधि में बना हुआ रहने वाला है। उसके साथ साथ आपके राशि के रोग भाव पर राहु गुरु बृहस्पति एक साथ युति बनाकर गोचर करने वाले हैं। वहीं केतु देव आपके द्वादश भाव पर गोचर करने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां आपके राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, माइनर ग्रहों का परिवर्तन काफी ज्यादा हो रहा है। तब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की संभावना इस समयावधि में देखने के लिए मिलने वाली है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, राशि के दशम भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। दशम भाव काफी ज्यादा प्रभावी और बली है। दशम भाव पर आपके राशि के स्वामी मंगलदेव दिग्बली अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो कर्म क्षेत्र के मामले में रचनात्मक क्षमता का विकास वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में इन 16 दिनों में होने वाला है और आपको मनोवांछित सफलता देखने के लिए मिलने वाली है। पूर्व समयावधि में यदि आपको ज्यादा मेहनत करने के बावजूद परिणाम कम या ना के बराबर मिल रहा था, उससे आपको निजात देखने के लिए मिलने वाली है। इस समयावधि में व्यापारिक जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना देखने के लिए मिलेगी। व्यापारिक उपलब्धि आपको विशेष रूप से देखने के लिए मिलने वाली है। उसके साथ साथ वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र में मान सम्मान भरी स्थितियां भी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। आर्थिक दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए
देखिए, आपकी राशि का जो द्वितीय भाव है काफी ज्यादा प्रभावी और बली है, और आपके राशि के जो लाभ भाव के स्वामी हैं बुधदेव राशि के भाग्य भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो आर्थिक समय के लिए भी ये समय काफी बेहतर कहा जा सकता है। इसमें आपके जीवन में खर्चों में बढ़ोतरी जरूर दिखाई देगी, लेकिन आपके जीवन में आमदनी में भी इजाफा पूर्ण रूपण देखने के लिए मिलने वाला है। शनिदेव चतुर्थ भाव पर मौजूद हैं, तो सुख सुविधाओं और भौतिक सुखों के ऊपर पारिवारिक जीवन के ऊपर धन का व्यय काफी ज्यादा होने वाला है। उसके साथ साथ आपके जीवन में इन दिनों की समयावधि में व्यापारिक क्षेत्र से धनार्जन होने की संभावना मिलने वाली है। यदि आपने कहीं पर निवेश किया हुआ है या रुका हुआ धन आपका कहीं पर मौजूद है उसके प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। राहु देव गुरु बृहस्पति के साथ छठवें भाव पर विराजित हैं। कर्ज से यदि आप परेशान हैं, कर्जों से निपटने में यदि आप प्रयास करते हैं तो आपको राहत विशेष रूप से देखने के लिए मिल सकती है। उसके साथ साथ अगर आपके लिए इस समयावधि में प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, पंचम भाव से प्रेम संबंधों का विचार किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति राशि के छठवें भाव पर प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं, तो यहां पर प्रेम संबंध में जुड़े हुए जातकों के लिए समय मिला जुला रहने वाला है। संभल कर विशेष रूप से चलने की आवश्यकता रहने वाली है। रिश्तों में आकर्षण की कमी होगी क्योंकि शनि चतुर्थ भाव पर मौजूद हैं, और यदि आप प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं तो भी आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ अगर आपके लिए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, सप्तम भाव की कंडीशन काफी अनुकूल और बेहतर बनी हुई है, तो वैवाहिक जीवन में खास परिणाम आपको देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि दाम्पत्य संबंधों में वैचारिक मतभेद भी निर्मित होगा क्योंकि गुरु राहु का चांडाल योग भी बना हुआ है, और इस समयावधि में आपके राशि में शनि की दृष्टियां आपके लगन भाव पर भी पड़ रही है। छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का वैचारिक मतभेद निर्मित करने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। यह समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। शिक्षा को लेकर अगर जानकारी दिया जाए, विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय मिला जुला रहने वाला है। यदि आप उत्साह बनाकर चलते हैं, प्रदर्शन करते हैं और एकाग्रता पूर्वक चलते हैं तो विद्यार्थी जीवन में आपको विशेष उपलब्धि और सफलता भी देखने के लिए मिल सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, राशि के छठवें भाव यानी रोग भाव पर राहु और गुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, और शनि जन्य ढैया का प्रभाव भी आपके ऊपर चल रहा है, तो यहां पर वृश्चिक राशि वाले जातकों को पेट जनित प्रॉब्लम, सिर दर्द, माइग्रेन की समस्या परेशान कर सकती है, और मंगल की स्थिति काफी बेहतर है तो किसी प्रकार की ज्यादा गंभीर समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। मौसम परिवर्तन की वजह से बीमारियां निर्मित होती है, इस पर आपको विशेष नियंत्रण बनाकर चलना चाहिए। दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर आपको इन दिनों में जरूर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। चतुर्थ भाव पर शनि वक्री हैं, तो माता के स्वास्थ्य को लेकर धन के व्यय की संभावना भी दिखाई दे रही है। सेहत को यदि आप बेहतर रखना चाहते हैं तो दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलें। सही समय पर सोना, सही समय पर जगना, रोजाना व्यायाम करना, इन सारी आदतों को अपनाकर यदि आप चलते हैं तो यह समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक दृष्टिकोण को उपाय को बताने से पूर्व दो विशेष सावधानियों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहली सावधानी, भावना के वशीभूत होकर कर्म क्षेत्र में यदि आप कोई बड़ा बदलाव करने के लिए सोच रहे हैं, आपको सोच विचार कर बदलाव करने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है, तो यह समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा।
दूसरा, वृश्चिक राशि वाले जातकों को मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। सकारात्मकता पूर्वक कार्यों को करें, ईमानदारी पूर्वक इन दिनों में विशेष रूप से चलने की आवश्यकता रहने वाली है। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में श्रावण महीना चल रहा है, घर में रुद्राभिषेक जरूर करवाएं और घर के सभी सदस्य मिलकर सम्मिलित हों। इससे भगवान शंकर का आशीर्वाद आपके जीवन में जरूर मिलने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।